एक और साल खत्म होने को है, थोड़ा सा मूड खराब है, थोड़ा सा वो सोच जो आपने सोचा था वो शायद सच ना हो पाए। आपको लगा था कुछ चीजें कर लेंगे लेकिन खत्म नहीं हो पाया। लेकिन ये बात भी तो सही है, आपने बहुत कुछ सीखा भी तो है इस साल से। आपने ये सीखा कि वो उनके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं जिसके ऊपर भरोसा करके आपने शुरुआत किया था। शायद उस रिश्ते को आप ठुकरा चुके हैं जिस रिश्ते ने आपकी ज़िंदगी को थोड़ा बहुत बिगाड़ दिया था। बदलाव की तरफ हर एक कदम आपके लिए जो प्यार भरा मौसम लाया है या फिर दर्द भरा मौसम, इन सभी के बीच में आपने खुद ही को तो पाया है, आपने खुद ही को जाना है। अब सवाल ये भी उठ सकता है कि किस तरीके से आप जीतेंगे, किस तरीके से आप आने वाले समय को बदलेंगे। इसके लिए आपने पिछले सालों में भी रेजोल्यूशंस लिए हैं, कुछ चीज़ों में आपने उस रेजोल्यूशन को लिख के भी रखा होगा या फिर भुला दिया। अब इतना तक सुनने के बाद लग रहा है कि सिर्फ नेगेटिव ही बोलेंगे क्या? आंसर है शायद हाँ, क्योंकि उस पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने के लिए आपको जिस शक्ति अपने ऊपर दिखानी थी वो आपने दिखाया नहीं, तो आने वाले वक्त में वो आपको खुद से करना है। मैं आपको एक 10 सेकंड का रूल बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ के लिए आप 10 सेकंड ज़्यादा सोचिए, बस सब कुछ बदल जाएगा। आपके दिमाग में पहली बार सोच आएगा आप उसे बदल दीजिए। मान लीजिए आप एस्केलेटर में उठ रहे हैं और एक छोटा सा बच्चा कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी मम्मी और उसकी दीदी उठ चुकी है और वो लोग बीच इस रास्ते में जा चुके हैं। अब वो बोल रहा है नहीं नहीं, आपका मन कहेगा हट मैं अपने हिसाब से चलता हूँ, दूसरा मन सेकेंड टाइम थिंकिंग कहेगा चलो इसको उठा के डाल देते हैं, लेकिन तीसरा सोच आपको कहेगा क्यों ना मैं इसके पीछे 10, 20, 30, 40 सेकेंड दूँ और इसे बताऊँ कि कैसे पैर रखना है, इसका हाथ पकड़ के सिर्फ आगे ले जा सकता हूँ और ये अपना कदम बढ़ाएगा। तो मैं आपके पीछे एस्केलेटर में खड़ा हुआ वही इंसान हो समझ लीजिए। वक्त बदलेगा और इस बार ज़रूर बदलेगा, क्योंकि अब आप कदम बढ़ाएंगे।